कहाँ रहते हो आप? कुंडा मोगा। कहाँ से आ रहे हो? बाहर कमाने गए थे। हाँ, जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ, आने का पैसे का। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ना भैया 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 भैया, एक मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते। कहाँ से आने हो रहा? हैदराबाद से आ रहे। तो कुछ शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से। सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की नहीं। कितने दिन हो गए आप आए हुए? हमको दूसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। अभी ये कल भी गया, रात भी गई, और अभी ये जो हम लोग चल रहे हैं ये जा रहे हैं। तो आप इतनी गर्मी में आ रहे हैं, किस शासन के किसी नुमाइंदे ने आपकी कोई मदद नहीं करा? ये इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से जाओगे मालूम है। जी सर, हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफ़ी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं। तो अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार देखा, जिसमें पिता जो है राजू धुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे वो प्रोवाइड कराए गए, साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया, और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुँचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। साथ ही इनमें ये भी कहा गया कि घर पर रहकर अपने क्वारंटाइन नियमों का पालन करें। तो ऐसी स्थिति में इसमें ये भी देखने में आया था कि जो पिता है वो हैदराबाद से जो कि पैदल आ रहा है, उसने खुद ही अपने हाथों से एक गाड़ी फ्रेम की है, जिसको सड़क पर छोटे पहिए लगा के उसको लुढ़का था वो ला रहा है।